वेलकम फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपकी अपना यूट्यूब चैनल सुबह हेल्थ केयर में, जहाँ से आप पाते हैं हेल्थ संबंधित मेडिसिन के बारे में हर रोज नए जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हेमपुष्पा सिरप के बारे में जानेंगे हेमपुष्पा सिरप कौन सी कंपनी द्वारा मार्केटेड किया जाता है, क्या उसकी प्राइस रहता है, डॉक्टर द्वारा कौन सा बीमारियों को ठीक करने के लिए हेमपुष्पा सिरप उपयोग में ली जाती है और क्या इसका डोज दिया जाता है, क्या इसका साइड इफेक्ट रहता है। जानेंगे इस दवाई में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जानेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, हेमपुष्पा सिरप राजवैद्य शीतल प्रसाद कंपनी द्वारा मार्केटेड किया जाता है, जो 170 ml की पैकिंग जिसमें 24 डोज आपको मिलेंगे 247 रुपया में। दूसरा पैकिंग मिलेगा आपको 450 ml का, जिसमें 64 डोज होता है, उसका प्राइस आपको 527 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। हेमपुष्पा सिरप जड़ी बूटी से बना हुआ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसमें मुख्य तौर पे मिलाए जाते हैं लोधरा, मंजिष्ठा, अनंतामूल, गोखरू, शंखपुष्पी, मुसली, अश्वगंधा, नगरमोथा जैसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं। ये दवाई आपको केमिस्ट शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप जान लेते हैं यूज ऑफ हेमपुष्पा सिरप। हेमपुष्पा सिरप डॉक्टर द्वारा कब प्रेस्क्राइब किया जाता है, समझ रहे हो ना? हेमपुष्पा सिरप ज्यादातर महिलाओं में होने वाला प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि ऋतु स्राव के दौरान महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग होने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, उस टाइम खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये दवाई प्रेस्क्राइब किया जाता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पालने वाली बच्चे के कारण कई बार खून की कमी होते हुए देखा जाता है, उस टाइम खून की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है। महिलाओं में खून की कमी से होने वाला प्रॉब्लम थकान लगना, नींद ज्यादा लगना, कमजोरी महसूस होना, खून की कमी से हाथ पैर में दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से महिलाओं में कई बार आंखों के नीचे डार्क सर्कल, पिंपल्स, निखार खत्म हो जाती है, जैसे मुंह में झाई होना, काला निशान होना, दाग धब्बे होना, ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है। महिलाओं में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम यानी पीरियड्स आने से पहले या बाद में पेट में या पेड़ों पे दर्द होना, ब्लीडिंग कम या ज्यादा होना, ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण कई बार महिलाओं की फेस पे बाल आते हुए भी देखा जाता है, उस परिस्थितियों में भी डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है। महिलाओं को स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, फुर्तीलापन और निखार को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है। महिलाओं में एक खास प्रॉब्लम जिसे PCOD और PCOS बोला जाता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी ये दवाई फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी होने में यानी कॉन्सेप्ट होने में प्रॉब्लम होती है या नहीं हो पाती है, उन परिस्थितियों में भी डॉक्टर द्वारा हेमपुष्पा सिरप प्रयोग में ली जाती है और बहुत महिलाओं को हेमपुष्पा सिरप से प्रेग्नेंट होते हुए भी देखा गया है। डोज ऑफ हेमपुष्पा सिरप यानी हेमपुष्पा सिरप की डोज के बारे में एक बार जान लेते हैं। हेमपुष्पा सिरप पेशेंट की एज और वेट की अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, लेकिन इसका जो जनरल डोज है वो है 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही में डिब्बे के अंदर दी जाने वाली हेम टैब, ये भी एक सुबह एक शाम को लेने की सलाह दी जाती है। ये दवाई आप 2 से 3 महीने तक यूज करें, तब आपको विशेष आराम देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर हेमपुष्पा सिरप की साइड इफेक्ट की बात करें तो ये दवाई से आपकी पेट में गैस्ट्रिक बन सकती है, सीने में जलन हो सकती है या पेट में भी दर्द हो सकती है, उल्टी का शिकायत हो सकती है, किसी किसी महिलाओं में पीरियड्स रुक सकती है या थोड़ा थोड़ा करके भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
तो ये था आज का हेमपुष्पा सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट करना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।